Hello everyone, welcome to Dikshant's EduTech. I'm your SST teacher, Privesh sir. तो आज हम लोग क्लास 8 का SST का जो हिस्ट्री पर्सन है, हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन वेयर वेन एंड हाउ, वेन वेयर एंड हाउ, ये लेसन्स ओके करने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी ओवरव्यू ऑफ द पीरियड, यानी कि ओके थोड़ा शॉर्ट लुक देखेंगे ओके हमारे जो पास्ट के बारे में ओके क्या हुआ, क्यों हुआ, ओके कैसे हुआ है. तो फर्स्ट ओके हम लोग बात करते हैं 18th century का. 18th century में हमारे इंडिया को अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया बिग एंड स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट में क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था. एंड इसके कारण हमारी इंडिया बहुत ही क्या हुआ था, वीक हुआ था. वीक होने के कारण बाहर से बहुत सारे इन्वेडर्स यानी कि बहुत सारे फॉरेन रूल आकर हमारे इंडिया में अटैक भी किया और रूल भी किया. और दूसरा चीज़, इसके कारण से हमारे इंडिया में मॉडर्नाइजेशन भी बहुत ही क्या हो गया, डिले हो गया. यानी कि 18th century में जो हमारे भारत का कंडीशंस था वो कुछ ठीक नहीं था. एकदम छोटे छोटे राज्य यानी कि बड़े बड़े राज्य में ओके सब क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था. और उसके कारण यूनिटी नहीं था. अब यूनिटी नहीं रहेंगे तो पावर नहीं रहेंगे, ओके वीक हो गया. वीक होने के कारण नंबर वन तो मॉडर्नाइजेशन भी क्या हो गया, डिले हो गया, लेट हो गया. और बाहर से फॉरेन रूल आकर भी ओके हमारे इंडिया में क्या करने लगे, रूल करने लगे. तो ये हो गया ओके छोटा सा ओवरव्यू ओके हमारे 18th century का, हमारे इंडिया का हिस्ट्री का, यानी कि इंडिया का. दूसरा चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जो इंडिया का जो हिस्ट्री है उसे बहुत सारे हिस्टोरियन ने ओके अलग अलग हिसाब से क्या किया है, डिवाइड किया है. तो पहला ओके हम लोग देखेंगे जेम्स मिल. जेम्स मिल ने ओके हमारी इंडिया का जो हिस्ट्री है उसे 3 पीरियड में डिवाइड किया है. एक हिंदू, सेकेंड मुस्लिम एंड थर्ड इज ब्रिटिश. ओके कहाँ पर किया था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1857 में ओके जो बुक निकाले थे वहाँ पर हमारे इंडिया का हिस्ट्री को जेम्स मिल ने हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड में क्या किया है, डिवाइड किया है. क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एंशियंट टाइम में यानी कि ओके अर्लियर टाइम में हमारी इंडिया में हिंदू रूलर्स रूल करते थे. अब बीच में आकर मिडिवल पीरियड में मुस्लिम रूलर्स ने रूल किया. एंड लास्ट में बिफोर इंडिपेंडेंस ओके हमारी इंडिया को किसने रूल किया, ब्रिटिश ने रूल किया. तो उसी के हिसाब से ओके उसने क्या किया, हमारी इंडिया का हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड में क्या किया, डिवाइड किया. अदर हिस्टोरियन ने ओके हमारी इंडिया को एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में क्या किया है, डिवाइड किया है. सेम है ओके एक्चुअली ओके, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस इन नेम. क्योंकि एंशियंट पीरियड में हिंदू रूलर ने क्या किया, रूल किया. मिडिवल पीरियड में मुस्लिम रूलर्स ने रूल किया. एंड मॉडर्न ओके पीरियड में ब्रिटिश ने क्या किया, रूल किया. तो ये हमारा ओके ओवरव्यू ऑफ द पीरियड था. अब हम देखेंगे मेजर इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो मेजर इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि पूरे दुनिया में ओके दुनिया में क्या क्या ऐसा इवेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट घटा. एंड वो इवेंट हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो इवेंट हमारे इंडिया में भी क्या किए हैं, इन्फ्लुएंस किए हैं. तो फर्स्ट है रेनेसा. ओके रेनेसा क्या है, रेनेसा क्या है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, उसका मीनिंग है रिवर्थ. ओके यानी कि रिवर्थ किस में हुआ है, रिवर्थ कल्चरल मूवमेंट में क्या हुआ है, कल्चर में रिवर्थ हुआ है. उसके बाद क्लासिकल लर्निंग में क्या हुआ है, रिवर्थ हुआ है. और उसके बाद कल्चर तो हो गया ओके, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी क्या हुआ है, रेनेसा आया है. कब आया है, 14th and 16th century में. एंड कहाँ आया था पहला, ओके फर्स्ट आया था कहाँ पर, इटली में. रेनेसा फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इटली से. उसके बाद धीरे धीरे दूसरे देश में भी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया. एंड रेनेसा के कारण ओके किस किस चीज़ में बदलाव आए और किस किस चीज़ में रिवर्थ आए, रेनेसा आए, तो हमारे कल्चरल मूवमेंट में तो आ गया, उसके बाद क्लासिकल लर्निंग में भी आया, उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आया. ओके कब आया, 14th and 16th century में. तो रेनेसा के कारण से ओके क्या बदलाव आया, बदलाव यही आया कि अब लोग क्या नहीं करेंगे, यानी कि लोग ने क्या करना छोड़ दिया, जो रिलीजियस बिलीफ था उसमें ब्लाइंड फेथ करना छोड़ दिया, यानी कि ओके अंधविश्वास करना छोड़ दिया एकदम से. ओके जो प्रैक्टिकली ओके चीज़ क्या करने के लोग लॉजिकल रीजन ढूंढने लगे ओके और रीजनेबल ओके
थिंग्स, यानी कि ओके रीजन क्या है, ओके अगर कोई किसी ओके धर्म के बारे में ये कह रहा है तो उसके बारे में लोग लॉजिकली भी सोचने लगे और ओके प्रैक्टिकली सोचने लगे, क्योंकि ये पीरियड ही क्या था, साइंटिफिक अप्रोच का पीरियड था। ओके लोग अब प्रैक्टिकली ओके उस चीज के ऊपर क्या कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, ये सब चीज क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ओके पहले तो नहीं था, जब ओके हम लोगों ने देखा ओके उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल किए तो ये सब सिस्टम तो ओके नहीं किए जाते थे, लेकिन आज ओके ये सब सिस्टम को क्यों फॉलो किए जा रहे हैं, ओके इस तरह का साइंटिफिक अप्रोच आ गया किसके कारण से, रनेसा का कारण से। क्लियर है रनेसा, इट्स ए फ्रेंच वर्ड ओके मीनिंग रिवर्ट, इन विच फील्ड ओके वी कैन सी रनेसा और द रिवर्ट इन द कल्चरल मूवमेंट, क्लासिकल लर्निंग ऑल्सो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑल्सो, एंड वेन ओके बिटवीन 14th एंड 16th सेंचुरी, कहाँ स्टार्ट हुआ था, इन इटली, एंड फ्रॉम इटली ओके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके सॉरी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर भी रेनेसा आए, हमारे इंडिया में भी आए, और आने के बाद ओके लोगों का अब जो दिमाग है ओके वो खुल गया, और उसके बाद लोग क्या बन गए, साइंटिफिक अप्रोच बन गए, ओके यानी कि प्रैक्टिकली लोग लॉजिकली अब क्या करने लगे, सोचने लगे कि ब्लाइंड फेथ करने से ओके नहीं होगा, उसका क्या भी चाहिए, लॉजिक भी होना चाहिए, उसका क्या भी होना चाहिए, ओके प्रैक्टिकली उसका क्या भी होना चाहिए, मीनिंग या तो प्रैक्टिकली उसका यूज भी होना चाहिए, ओके कोई चीज़ कर रहे है उसका कोई प्रैक्टिकल यूज ही नहीं है तो वो बेकार है, ओके इसलिए ब्लाइंड फेथ करना भी क्या नहीं है, सही नहीं है। लोगों ने अब क्या करना स्टार्ट किया, क्वेश्चन करना शुरू किया, किसके कारण से, रनेसा का कारण से। सेकेंड इवेंट हुई वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इट्स अ वेरी सिंपल, हैंडमेड गुड्स यानी कि ओके हाथ से बनाया हुआ ओके जो भी सामान है उसे रिप्लेस्ड कर दिया, ओके उसे हटाए गए, ओके किससे, मशीन मेड गुड्स, यानी कि पहले जो भी सामान होते थे ओके वो किससे बनते थे, हाथ से बनते थे, अब बहुत सारे मशीन डेवलप्ड हो गया, अब वो जो सामान है ओके किसके थ्रू बन रहा है, मशीन के थ्रू बन रहा है, तो उसी को ओके हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। एंड ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, मिड 18th सेंचुरी में ओके इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने का ओके मेन कारण क्या था, रीजन क्या था, न्यू मशीन लाइक स्पाइनिंग जेनी, पावर हैंडलूम, ओके ये सब नए नए ओके मशीन्स आ रहे थे जो क्या कर रहे थे, प्रोडक्शंस को बढ़ा रहे थे, ओके प्रोडक्शंस एकदम क्या हो गया, बूस्ट हो गया, बूम्ड हो गया, ओके प्रोडक्शन जो हाथ से पहले बना रहे थे तो हाथ से कितना बना सकते हैं, तो कम ही बनेंगे, तो जब मशीन बनाएंगे ओके तो बहुत सारा ओके गुड्स क्या होने लगे, प्रोड्यूस्ड होने लगे, यानी कि ओके मशीन बहुत सारे फैक्ट्री बहुत सारे सामान बनाने लगे, उसी को ही हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन अब मशीन तो आ गए, ओके सामान बनाने के लिए, गुड्स बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल तो अब मिल गया, रॉ मटेरियल मिलने के बाद सामान भी बन गया, अब वो बेचने के लिए क्या चाहिए, हमें नया मार्केट चाहिए, इसीलिए यूरोपियन पावर क्या करने लगे, अब दूसरे जगह जाने लगे, ओके दूसरा देश जाने लगे, एंड उसको अपना कॉलोनी बनाने लगे, उसे अपना कॉलोनी बनाया, वहाँ से उसे क्या भी मिल जाएंगे, रॉ मटेरियल भी मिल जाएंगे, रॉ मटेरियल मिलने के बाद ओके वो लोग जो भी सामान बनाएंगे ओके उसे बेचने के लिए क्या भी मिल जाएगा, मार्केट भी मिल जाएगा। तो ये ओके हो गया तुम्हारा इफेक्ट हो गया ओके ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कॉजेस भी हम लोगों ने किए, ओके कहाँ पर स्टार्ट हुए ये भी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर ओके हम लोग फिगर देखेंगे कि कैसा कैसा मशीन उस टाइम इन्वेंट हो गया, ये हो गया पावर हैंडलूम हो गया, स्पाइनिंग जेनी हो गया, ओके पहले लोग हाथ से बनाते थे, अब ओके इस मशीन के थ्रू क्या करेंगे, गुड्स बनाएंगे, तब तो ओके ज़्यादा मात्रा में ओके प्रोड्यूस्ड हो ही जाएगा, लेकिन उसे बेचने के लिए क्या चाहिए, मार्केट चाहिए, तो मार्केट के लिए यूरोपियन पावर अब दूसरा देश जाने लगे और उस देश को अपना कॉलोनी बनाने लगे। सो सेकेंड इवेंट ओके वो है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स, यानी कि नए नए सी रूट्स अब क्या होने लगे, डिस्कवर्ड होने लगे, ओके और उसके बाद ये चीज़ यूरोपियन पावर को या तो यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत ही क्या हो गया, बेनिफिशियल हो गया। अब दूसरा देश जाने के लिए रास्ता तो चाहिए है कि नहीं, जो ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर दिया उस टाइम, ओके लोगों ने कौन कौन ने ओके क्या क्या डिस्कवर्ड किया ये भी हम देखेंगे, ओके तो डिस्कवर्ड हो गया, ये बहुत ही बेनिफिशियल हो गया यूरोपियन कंट्रीज के लिए, ओके दूसरा देश जाने के लिए। जैसे ओके यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को क्या किया, डिस्कवर्ड किया, यानी कि अमेरिका ओके जाने वाले जो सी रूट से रास्ता है ओके वो डिस्कवर्ड कर दिया 1492 में।
उसी तरह वास्को डा गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया ओके 1498 में, यानी कि सी रूट टू इंडिया ओके, किस जरिए इंडिया पहुंच सकते हैं वो वास्को डा गामा ने किया था ओके 1498 में। उसी तरह फर्डिनेंड मैगेलन ने ओके स्ट्रेट ऑफ मैगेलन को डिस्कवर किया 1519 में। उसी तरह बार्थोलेमाउ डियास ने केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर किया 1488 में ओके। जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया 1770। तो इस तरह से अब यूरोपियन कंट्रीज को क्या मिल गया, रास्ता मिल गया कि ओके ये देश में जाकर वहाँ का रॉ मटेरियल भी लाए और ओके वहाँ पर सामान भी क्या कर सके, वो लोग बेच सके ओके। तो थर्ड इवेंट हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स इस तरह से ओके। हियर इज द फिगर, यहाँ पर फिगर में हम लोग देख रहे हैं ये हमारा ओके इंडिया हो गया। तो ये सब ओके ये जो भी देख रहे हैं ये सब क्या हो गया, रूट हो गया ओके। इस तरह का रूट, पहले सी रूट नहीं थे ओके, पहले लोग कहाँ से आते थे, पासेस से आते थे। अब सी रूट डिस्कवर्ड हो गया है ओके, तो लोग बहुत सारे लोग अपना सामान लेकर ओके कहाँ आ सकते, इंडिया आ सकते। इस तरह से सी रूट डिस्कवर्ड होने के बाद ओके अब सब लोग क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। पहले लोग यानी कि देश कनेक्टेड नहीं थे ओके, अब सी रूट के कारण सब देश क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। एंड इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको हो गया, यूरोपियन कंट्रीज को हो गया कि ओके उन लोग के पास मशीन थे ओके, सामान बन रहे थे ओके, उसे बेचने के लिए न्यू मार्केट चाहिए, रॉ मटेरियल ओके वहाँ से ला सकते ओके। इस तरह से डिस्कवरी ऑफ सी रूट क्या किए, एक इवेंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट रहा ओके हमारे हिस्ट्री में। अब फोर्थ वन है इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म मीन्स ओके साम्राज्यवाद, यानी कि इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या है, साम्राज्यवाद, यानी कि टेरिटोरियल ऑक्यूपेशंस एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर अनदर नेशंस फोर्सफुल्ली, यानी कि कोई देश दूसरे देश को या तो दूसरे देश का पॉलिटिकल अफेयर यानी कि ओके पॉलिटिकल अफेयर और उसके साथ साथ इकोनॉमिक अफेयर भी ओके अपने हाथ में लेते हैं फोर्सफुल्ली, ज़बरदस्ती ओके, उसे हम क्या कहते हैं, इम्पेरियलिज्म कहते हैं ओके। जैसे हमारी इंडिया हो गया ओके, हमारे इंडिया का भी इकोनॉमिक अफेयर्स भी ओके ब्रिटिश, हर चीज़ों के ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, ठीक है ना। हमारे कहीं ना कहीं ओके हमारी इंडिया का सभी चीज़ किसके ऊपर निर्भर करती थी, ओके ब्रिटिश के ऊपर ही, जबकि ओके वो लोग पहले क्या करने के लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे, और उसके बाद धीरे धीरे ओके हमारी इंडिया में वो लोग अपना कंट्रोल बनाए और इंडिया को क्या किए, रूल किए ओके। एंड यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ओके फोर्सफुल्ली, इम्पेरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म में एक ही चीज़ डिफरेंस है, वो है फोर्सफुल्ली ओके। इम्पेरियलिज्म में फोर्सफुल्ली क्या करना, वहाँ का टेरिटोरियल ऑक्यूपेशंस करना, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ओके ऑक्यूपेशंस करना फोर्सफुल्ली, उसे हम कहते हैं इम्पेरियलिज्म। कोलोनियलिज्म ये है एक्सप्लोइटेशन एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज ऑफ अदर कंट्रीज बाय पावरफुल कंट्री फॉर पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रेंथ ओके। कोई देश, सपोज मान लो ये देश ओके इस देश का रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके ओके अपने देश को क्या करने की कोशिश करेंगे, डेवलप्ड करने की कोशिश करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलोनियलिज्म कहते हैं, सिंपल ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी ओके इंडिया भी दे सकते, क्योंकि हमारी इंडिया भी क्या है, कोलोनियल कंट्री है किसका, ब्रिटेन का। बहुत सारे नेशंस आए थे उस टाइम, फ्रांस भी आया था, पुर्तगाल आए थे, फर्स्ट तो पुर्तगाल आए थे है ना, होलैंड आए थे, लेकिन लास्ट में कौन रहा, ब्रिटेन रहा, ब्रिटिश रहा, और ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में क्या किया, रूल किया एंड हमारी इंडिया का रिसोर्सेज का क्या किया, इस्तेमाल किया। लेकिन जो भी इनकम हो रही थी ओके वो इनकम सब कहाँ पर जा रहे थे, ब्रिटेन में जा रहे थे। तो ओके इसे हम कहते हैं कोलोनियलिज्म ओके, इसे हम कहते हैं इम्पेरियलिज्म। ओनली डिफरेंस बिटवीन ओके इम्पेरियलिज्म एंड द कोलोनियलिज्म इज द फोर्सफुल्ली, क्योंकि इम्पेरियलिज्म मीन्स ओके ज़बरदस्ती ओके कब्जा करके वहाँ का इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल ओके क्या करना, अपने हाथ में ले लेना एंड टेरिटोरी भी क्या करना, ऑक्यूपाई करना। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ कोलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म का कारण क्या है ओके, किसके कारण कोलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हुआ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म क्या हो रहे थे, प्रचलित हो रहे थे। सब यूरोपियन पावर आ रहे थे क्या करने के लिए, या तो कोलोनियलिज्म करने के लिए या तो इम्पेरियलिज्म करने के लिए आ रहे थे।
तो फर्स्ट रीजन से चीप रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्रीज, ओके, क्योंकि अगर कोई देश उसका कॉलोनी हो गया, ओके, उसके कंट्रोल में आ गए, तो वहाँ से सस्ता दाम में क्या ले सकते हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल ला सकते हैं, किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए। दूसरा क्या मिल जाएगा, न्यू मार्केट मिल जाएंगे, ओके, नया मार्केट मिल जाएंगे, किसके लिए, फिनिश गुड्स के लिए। तीसरा वार वेपन्स, मिलिट्री पावर एंड ओके कंट्रोल ओवर सी, यानी कि ओके उस टाइम पावर का ओके ज़्यादा क्या होते थे, ओके जिसके पास पावर है ओके वही क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, वही राज करेंगे। अब पूरी सी रूट ओके उन्हीं लोगों ने डिस्कवर किया था, उस सी रूट में उन्हीं लोग का क्या चलते थे, पावर चलते थे, इसीलिए ओके भी कोलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म हुआ। जैसे सी रूट के कारण से अब वो लोग और ज़्यादा पावरफुल बने, जितना पावरफुल बने ओके उन लोगों का मिलिट्री पावर और ज़्यादा क्या हो गया, स्ट्रांग हो गए। उसी तरह उन लोग के पास वार वेपन्स थे ओके, वो लोग लड़ाई करने के लिए ओके उन लोग के पास हथियार, अच्छे हथियार था एंड मिलिट्री पावर भी था एंड सी में भी ओके उन्हीं लोग का कंट्रोल था। ये भी एक ओके रीजन्स होता है ओके किसका, कोलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म का। एंड चौथा है प्रिजुडाइज ओवर अदर कंट्रीज कंडीशन। प्रिजुडाइज मीन्स प्री कंसेप्शन, यानी कि किसी देश के बारे में, किसी के बारे में बिना कुछ जाने ओके हम लोग जजमेंट जो देते हैं उसे हम कहते हैं प्रिजुडाइज कहते हैं। एंड वो लोग यही सोचते थे कि जो दूसरा देश है वो देश क्या नहीं ओके हमारे तरह नहीं ओके, हम जितना डेवलप्ड है, हम जितना क्या है मॉडर्नाइज ओके, हम लोग जितना मॉडर्न कंट्री ओके वो लोग नहीं है, और हमारा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देश को भी क्या करना, डेवलप्ड करना और मॉडर्न बनाना। तो ये जो ओके प्रिजुडाइज थिंकिंग यानी कि सोच थे, इसके कारण भी ओके कोलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म हुआ है। हालांकि ओके उन लोगों ने आकर ये सब चीज़ तो नहीं किया, आकर क्या किया, रॉ मटेरियल ले लिया सस्ता दाम में, उसके बाद ओके वहाँ जाकर प्रोडक्ट बनाए और वो प्रोडक्ट फिर ओके फिर हमारे देश में क्या किया, सेल किया। लेकिन इसका ओके मेन रीज़न ये भी हो सकते ओके प्रिजुडाइज, जिसके कारण कोलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म हुआ। एंड लास्ट है ओके रीजन से वीकनेस, वीकनेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका। उस टाइम जब ओके कोलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म हो रहे थे, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, उस टाइम नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका का अच्छा कंडीशंस नहीं था ओके एंड बहुत ही वीक कंडीशंस था। वही वीक कंडीशंस उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, बेनिफिशियल्स हो गया, इजीली आकर वो लोग क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए, इजीली वो लोग इम्पेरियलाइज कर पाए, इजीली वो लोग कोलोनाइज कर पाए। जैसे ओके यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये हो गया यूनाइटेड किंगडम ओके, यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर जो कलर दिख रहा है ओके ये कलर, ये जो भी दिख रहा है यहाँ पर, ये सब ओके ये सब किसका, ब्रिटेन का क्या था, कॉलोनी हुआ करते थे उस टाइम, ये सब जगह में। इंडिया तो था ही था ओके, हम लोग जानते ओके हमारे देश के बारे में, इंडिया तो ब्रिटेन का कॉलोनी था ही था। तो पूरे दुनिया में ओके यहाँ पर ये सब जितना भी यहाँ पर ओके दिख रहा है, ये सब ब्रिटेन का क्या था, कॉलोनी था। यहाँ से रॉ मटेरियल भी लाते थे और यहीं पर ओके ले जाकर फिर सामान को बेचते थे। उसी तरह यहाँ पर ब्रिटेन ओके यूके दिया गया ओके दोनों, फ्रांस का यहाँ पर, ये जितना भी यहाँ पर देख रहा है ये सब किसका कॉलोनी हो गया, ये फ्रांस का कॉलोनी हो गया। उसी तरह पुर्तगाल का ओके ये जो ग्रीन कलर दिया गया है ये भी पुर्तगाल का कॉलोनी हो गया ओके, ये भी कॉलोनी हो गया, यहाँ पर भी है। इस तरह से ओके स्पेन का दिया गया है ओके, इस तरह से ये सब ओके उसका कॉलोनी, सिर्फ हमारे देश ही ओके ब्रिटिश का क्या नहीं था, कॉलोनी नहीं था, लेकिन हमारे इंडिया के साथ ओके बाकी बहुत सारा देश जो नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका में भी ओके उन लोगों का बहुत सारा क्या था, कॉलोनी था। एंड वो कोलोनियलिज्म इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वहाँ से उन लोग को बहुत ज़्यादा क्या मिल रहे थे, प्रॉफिट मिल रहे थे, वहाँ से ओके सस्ता दाम में रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा और उसके बाद फिर ओके सामान बनने के बाद वहीं पर फिर वो लोग क्या भी कर पाएंगे, सेल भी कर पाएंगे ओके। तो ये दूसरा टॉपिक ओके हम लोगों का रहेगा, नेशनलिज्म एंड अपराइजिंग अगेंस्ट कोलोनियलिज्म। अब कोलोनियलिज्म तो हो चुके हैं, अब उसके अगेंस्ट देश क्या करने लगे, धीरे धीरे ओके समझ रहे थे ओके सोच रहे थे, और उसके बाद उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, आवाज़ उठाना शुरू किया। आवाज़ उठाने से पहले ओके हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है नेशनलिज्म।
क्योंकि नेशनलिज्म के कारण ही कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट लोग क्या करने लगे, आवाज उठाने लगे। तो नेशनलिज्म क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू वन नेशन, इट इज अ फीलिंग ऑफ वननेस और टुगेदरनेस। ओके, सिंपल वी कैन से दैट कि नेशनलिज्म मीन्स फीलिंग ऑफ लव फॉर द नेशन, फीलिंग ऑफ वननेस, यानी कि ओके देश के अंदर जो लोग रहते हैं, ओके हम सब लोग एक हैं। अगर इस तरह का सोच रहेंगे, अगर हम लोग अपने देश को क्या करेंगे, प्यार करेंगे, तो कभी भी ओके हमारे देश क्या नहीं पड़ेंगे, कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। एंड ओके अगर कमज़ोर नहीं हुआ तो कोई भी देश आकर इजीली क्या नहीं कर पाएंगे, रूल नहीं कर पाएंगे। तो इसे कहते हो कि हम लोग नेशनलिज्म, एंड नेशनलिज्म ओके वॉज द मेन वेपन फॉर द पीपल टू वॉइस अगेंस्ट द कोलोनियलिज्म। अब नेशनलिज्म डेवलप्ड होने के बाद अब लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया, क्योंकि अब हम लोग आप लोगों के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ओके, तो सेकेंड, नेशनलिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ? स्टार्ट हुआ कहाँ से? फ्रांस से। ओके, 1789 में जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ से लिबर्टी, इक्वलिटी, ओके फ्रेटर्निटी जैसे ओके अच्छे अच्छे जो प्रोविजन्स है ओके वो आए, और उसके बाद वो जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ओके वो पूरी दुनिया में क्या हो गया, चर्चित हो गया। उसके बारे में ओके बहुत लोग क्या करने लगे, चर्चा करने लगे। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारा, ओके एंड इक्वलिटी मीन्स एक समानता, ओके समानता यानी कि इक्वलिटी। तो ये चीज़ पूरी दुनिया में क्या हो गया, प्रचलित हो गया। अब सब लोग इसी के बात कर रहे थे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात कर रहे थे, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, फ्रांस से। कब स्टार्ट हुआ था? 1789 में, जब ओके फ्रांस में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो उसके बाद अब सब लोग अपने देश के बारे में सोचने लगे, अपने देश के बारे में बात करने लगे। अब धीरे धीरे ओके वो लोग कोलोनियल एम्पायर के खिलाफ क्या करने लगे, आवाज़ उठाने लगे कि अब हम ओके आप लोगों के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो यहाँ से ओके जो नेशनलिज्म डेवलप्ड हुआ, वही नेशनलिज्म के कारण कोलोनियलिज्म के खिलाफ अब क्या होने लगे, आवाज़ उठने लगे। और दूसरा कहाँ से भी हुआ है नेशनलिज्म का डेवलपमेंट, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंट, 13th अमेरिकन कॉलोनीज। ओके, ये भी किसका हुआ करते थे, ब्रिटेन का ही, ओके यानी कि ब्रिटिश का ही कॉलोनी हुआ करते थे। इन लोगों ने जब फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा, तब जाकर ओके लोगों को याद हुआ कि अगर हम लोग भी क्या करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो हमें भी क्या मिलेंगे, इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी मिल सकते। लेकिन उसके लिए क्या होना बहुत ही ज़रूरी है, एक होना ज़रूरी है। एंड एक होने के लिए ओके क्या होना ज़रूरी है, नेशनलिज्म को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड लास्ट है हमारी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, ग्रीस एंड पोलैंड। ओके, धीरे धीरे यूरोपियन कंट्री का भी यही हालत है। ओके, हम लोगों ने मैप पे भी देखा, नॉट ओनली अवर कंट्री, हमारे इंडिया तो छोटे छोटे भाग में डिवाइड हुआ ही था, लेकिन यूरोप में भी ओके ऐसा ही हालत था। ओके, बहुत सारे देशों में नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ओके एशिया का यही हालत था। ये तो छोटे छोटे राज्य में डिवाइड होने के कारण से, छोटे छोटे एम्पायर में डिवाइड होने के कारण से कमज़ोर पड़ गए थे। एंड ओके उसका फ़ायदा जो पावरफुल कंट्री ओके उसने उठाया, उसी को तो हम क्या कहते हैं, इम्पेरियलिज्म एंड द कोलोनियलिज्म। तो ओके जब जर्मनी में यूनिफिकेशंस आए, ओके जर्मनी को एकदम एकत्रित किया गया, ओके वहाँ पर वहाँ के लोगों ने इटली को क्या कर दिया गया, एकत्रित कर दिया गया, उसी तरह ग्रीस एंड पोलैंड को एकत्रित ओके किया गया। तो ये आइडिया ओके पूरी दुनिया में क्या हो गया, फैल गए, पॉपुलर हो गया, ओके फेमस हो गए। एंड यही आइडिया अब हमारे लोगों को भी ओके क्या हुआ, याद हो गया। और ओके हमारे लोगों ने रियलाइज्ड किया, स्पेशली ओके हमारे नेशनल ओके लीडर्स ने क्या किया, रियलाइज्ड किया। और उसके बाद उन लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, किसके ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर काम करना शुरू किया। जब तक नेशनलिज्म क्या नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, तब तक ओके हमें क्या नहीं मिलेगा, आज़ादी नहीं मिलेगा, किससे, ब्रिटिश से। तो मेन ओके ये एक क्या रहा हमारे लिए, वेपन्स रहा। उसके बाद हमारे नेशनल लीडर भी हमारे इंडिया में नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए क्या करने लगे, काम करने लगे। और उसके बाद फाइनली 1947 में ओके हम लोगों को क्या भी मिला, आज़ादी भी मिला। तो ये हो गया ओके नेशनलिज्म कैसे डेवलप्ड हुआ है, ओके कहाँ से स्टार्ट हुआ है, नेशनलिज्म क्या है, ओके सब ओके हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो आज हम ओके यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट में ओके हम लोग इसका सोर्सेस भी देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या किया कि हमारी ओके 18th सेंचुरी का ओके भारत का जो हालत था ओके वो भी देख लिया। उसके बाद मेजर इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या क्या ओके ऐसा घटना घटा था,
जिसके कारण कोलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म ओके हुआ है, एंड वो होने से हमारे देश यानी कि ओके दूसरे देश का हालत क्या हुआ था, और उसके बाद फिर ओके नेशनलिज्म को भी देखा। इसी तरह से ओके हम लोग पढ़ेंगे दीक्षांत एडुटेक के माध्यम से। ओके तब तक के लिए बाय।